दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं कैट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 12 अप्रैल 2024 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं आज दिन भर में क्रिकेट के रिगार्डिंग जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है सभी अपडेट्स को वन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तब का समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए फटाफट हम बात करते हैं आज दिन भर क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा आईपीएल 2024 में कल खेले गए शानदार मैच को लेकर, जहां पर रोजाना की तरह कल भी हमें आईपीएल 2024 में एक बहुत ही शानदार बेहतरीन महामुकाबला देखने को मिला, जहां पर रोहित शर्मा के सामने थे विराट कोहली। हालांकि बतौर प्लेयर दोनों प्लेयर सामने सामने थे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामने थी मुंबई इंडियंस की टीम और मुंबई इंडियंस की टीम के होम ग्राउंड में हमें यह जबरदस्त मैच देखने को मिला था। इस शानदार मैच के दौरान काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी यहां पर बने और इस मैच के रिजल्ट के बाद आईपीएल 2024 की पॉइंट टेबल में भी हमें काफी सारे बड़े बड़े चौंकाने वाले उलटफेर यहां पर देखने को मिले हैं। तो भाई चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा इस शानदार मैच के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों इस शानदार मैच में मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को यहां पर पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। वानखेड़े स्टेडियम में आरसीबी के बैटर्स ने काफी शानदार परफॉर्मेंस किया। आरसीबी टीम का पूरा जो बैटिंग स्कोर कार्ड है उसको आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे, जहां पर भाई विराट कोहली सस्ते में निपट गए थे, प्लसिस ने 61 रन यहां पर बनाए थे, विल जैक्स केवल 8 रन बनाकर आउट हो गए, रजत पटीदार ने 26 गेंदों में 50 रनों की ताबड़तोड़ पारी के लिए, मैक्सवेल अपना खाता नहीं खोल पाए, लोमरोर भी खाता नहीं खोल पाए, दिनेश कार्तिक ने 23 गेंदों में नाबाद 53 रनों की पारी खेली, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने अपने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 196 रन बनाए थे, 197 रनों का एक बहुत बड़ा टारगेट यहां पर टीम मुंबई इंडियंस के सामने रखा था। मुंबई इंडियंस की तरफ से ओपनिंग करने उतरे थे रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन, दोनों खिलाड़ियों ने टीम को बहुत ही शानदार शुरुआत दी थी और भाई शानदार मैच में आपकी सेकंड टीम मुंबई इंडियंस टीम का बैटिंग स्कोर कार्ड और रिजल्ट को आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे होंगे। दोस्तों इस शानदार मैच के दौरान काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी यहां पर बने, तो भाई चलिए एक नजर हम यहां पर सभी रिकॉर्ड्स के ऊपर डाल लेते हैं। भाई पहला रिकॉर्ड यहां पर जसप्रीत बुमराह ने अपने नाम किया, जहां पर इस मैच के दौरान बुमराह की तरफ से सीरियसली उनकी लाइफ का बेस्ट स्पेल हमें देखने को मिला। 4 ओवर में केवल 21 रन देकर 5 बड़े विकेट्स उन्होंने यहां पर अपने नाम किए और भाई एक बड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बुमराह ने अपने नाम किया। जी हां, जसप्रीत बुमराह पूरे वर्ल्ड के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं, 17 सालों में पहले ऐसे गेंदबाज बने जिन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के खिलाफ अपना 5 for 5 विकेट होल यहां पर कंप्लीट किया है। तो भाई कहीं ना कहीं सीरियसली बुमराह के लिए एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड यहां पर बना है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले रिकॉर्ड के बारे में, तो अगला रिकॉर्ड यहां पर ग्लेन मैक्सवेल के नाम हुआ। जी हां, रोस्ट रिकॉर्ड उनके नाम हुआ है। आईपीएल में सबसे ज्यादा डक आउट 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड यहां पर ग्लेन मैक्सवेल ने अपने नाम कर लिया है। 17 बार वो आईपीएल में 0 पर आउट हो चुके हैं और भाई यह बेकार सा, यह शर्मनाक सा रिकॉर्ड ग्लेन मैक्सवेल के नाम हो गया है। और भाई आपको बताना चाहूंगा, शानदार मैच के रिजल्ट के बाद आईपीएल 2024 की पॉइंट टेबल में भी हमें काफी सारे बड़े बड़े चौंकाने वाले उलटफेर यहां पर देखने को मिले हैं। जी हां, इस शानदार मैच के बाद जो आईपीएल 2024 की नई पॉइंट टेबल उसको आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड क्लियरली देख पा रहे होंगे, जहां पर भाई टेबल टॉप पर आपकी राजस्थान रॉयल्स की टीम 8 पॉइंट्स के साथ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर केकेआर की टीम 6 पॉइंट्स के साथ है। तीसरे नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स है। चौथे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग है। पांचवें नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद है। छठे नंबर पर गुजरात टाइटंस यहां पर है। सातवें नंबर पर पंजाब किंग्स और उससे नीचे भाई आपकी यहां पर जो बाकी टीम है, आप सभी लोग सभी टीमों की स्टैंडिंग्स को स्क्रीन पर बिल्कुल अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। कुछ इस तरह की पॉइंट्स टेबल हमें अभी तक आईपीएल 2024 में देखने को मिली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है आईपीएल
2024 में आज होने वाले मैच को लेकर जहां पर रोजाना की तरह आज भी होने वाला है एक बहुत इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार मैच, जहां पर दो जबरदस्त टीमें आमने सामने होगी। लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने होने वाली है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, एक तरफ कप्तान के एल कमाल लाजवाब राहुल है, वही दूसरी तरफ आपके दिल्ली कैपिटल्स के कमबैक कर रहे कैप्टन यहां पर जी आपके यहां पर डेफिनेटली ऋषभ पंत मौजूद होंगे। करंटली बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है, दो बड़े स्टार प्लेयर आमने सामने होंगे और भाई जब स्टार आमने सामने होते तो भाई बड़ी टक्करें हमें देखने को मिलती है। एलएसजी टीम के होम ग्राउंड में लखनऊ के स्टेडियम में हमें यह जबरदस्त रोमांचक शानदार मैच देखने को मिलने वाला है। इस मैच में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 स्क्वाड्स में भी काफी सारे बड़े बड़े चेंजेस यहां पर देखने को मिल सकते हैं, जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो आपको अपने चैनल पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईपीएल 2024 के दौरान आप सभी क्रिकेट इंडिया फैमिली के मेंबर्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर चल रहा है स्पेशल गिव अवे, जहां पर आप जीत सकते हैं अपनी फेवरेट आईपीएल टीम की जर्सी, अपनी फेवरेट आईपीएल टीम की कैप, अपनी फेवरेट आईपीएल टीम की रिस्ट वॉच, करना कुछ भी नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जाइए फटाफट टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बन जाइए, वहां पर ज्वाइन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आईपीएल 2024 के फाइनल मैच वाले दिन हम इस गिव अवे के रिजल्ट के अनाउंसमेंट करेंगे, जहां पर आप में से 300 लकी सब्सक्राइबर्स जीतने वाले हैं जर्सीज, कैप्स एंड यहां पर रिस्ट वॉचेस। तो भाई जाइए फटाफट इस शानदार गिव अवे का हिस्सा बन जाइए, हमारे टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है आईपीएल 2025 को लेकर, जहां पर कल वाले डेली क्रिकेट एपिसोड में भी मैंने आप सभी लोगों तक अपडेट पहुंचाए थे कि आईपीएल 2025 में हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा। मेगा ऑक्शन के लिए फिलहाल तैयारियां हो चुकी है, थोड़ा सा रिटेंशन प्रोसेस को लेकर फिलहाल बड़ी बहस बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजियों के ओनर्स के बीच चल रही है, जहां पर 10 में से 7 फ्रेंचाइजियां तो ऐसा चाहती है कि भाई यहां पर आईपीएल 2024 में हमें 8-8 रिटेंशंस मिल जाए, लेकिन जो बाकी 3 फ्रेंचाइजियां वो चाहती है कि भाई केवल 1 यहां पर रिटेंशन मिले, 7 आप आरटीएम कार्ड प्रोवाइड कर दीजिए, वो चीजें बाद में सॉर्ट आउट हो जाएंगी। यानी भाई बिल्कुल अलग तरीके से आईपीएल 2025 के लिए फिलहाल तैयारियां चल रही है। 16 मार्च एक डेट फिक्स की गई थी, जहां पर भाई हम बीसीसीआई आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और आईपीएल में पार्टिसिपेट कर रहे 10 की 10 टीमों के ओनर्स के बीच एक स्पेशल मीटिंग देखने को मिलने वाली थी, लेकिन अचानक से कुछ पर्सनल रीजंस के चलते उस पूरी की पूरी मीटिंग को आधिकारिक तौर पर कैंसिल कर दिया गया, उस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब कब होगी यह मीटिंग, क्या आईपीएल के बाद होगी या टी20 वर्ल्ड कप के बीच में होगी, जैसे कोई भी अपडेट हमें यहां पर देखने को मिलता है तो अपडेट आपको डेफिनेटली सबसे पहले क्रिकेट इंडिया चैनल ही प्रोवाइड करने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है संजू सैमसन को लेकर, जहां राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान संजू सैमसन को लेकर एक बहुत ही बुरी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर भाई आपको बताया कि लास्ट मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस सामने सामने थे, जहां पर गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराया था, जिससे संजू सैमसन थोड़े से निराश, थोड़े से नाराज जरूर नजर आए थे, लेकिन इसी बीच बीसीसीआई ने भी उनको तगड़ा झटका दिया है। जी हां, 12 लाख रुपए का एक बड़ा फाइन उनके ऊपर पिछले मैच के दौरान यहां पर लगा है, स्लो ओवर रेट के चलते यह फाइन अब उनको भरना पड़ेगा। और भाई स्लो ओवर रेट के आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन है अच्छी तरह से पता है कि भाई पहली बार जब रूल टूटता है तो 12 लाख का फाइन होता है, दूसरी बार जब रूल टूटता है तो 24 लाख रुपए का फाइन होता है, और भाई थर्ड टाइम जब रूल ब्रेक होता है मतलब थोड़ा टाइम ज्यादा लेते हैं, वैसे में कप्तान को भी एक मैच से बैन कर दिया जाता है। तो भाई कहीं ना कहीं संजू सैमसन फिलहाल इस हिट लिस्ट में आ गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम को लेकर। जी हाँ, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, मुंबई इंडियंस की टीम ने कल यहां पर अपने एक नई रिप्लेसमेंट के अनाउंसमेंट कर दिया, जहां पर कुछ इंजरीज के चलते इस टीम के शानदार होनहार खिलाड़ी, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं यहां पर विष्णु विनोद के बारे में, बहुत ही जबरदस्त शानदार यूनिक टाइप के प्लेयर थे, लेकिन दोस्तों करंटली इंजर्ड थे, रिकवरी में बहुत ज्यादा समय यहां पर लगेगा, जिसके चलते आईपीएल 2024 से यह खिलाड़ी पूरी तरह से रूल्ड आउट हो गया है, आईपीएल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इस खिलाड़ी की रिप्लेसमेंट की भी अनाउंसमेंट कर दी गई, जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने अपने स्क्वाड में यहां पर शामिल कर लिया है हार्विक देसाई नाम के एक युवा खिलाड़ी को, जो हमें आईपीएल के नेक्स्ट एडिशन में आईपीएल 2024 में इस टीम के लिए सीरियसली धमाल करता हुआ नजर आने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर यहां पर निकल कर आ रही है आईसीसी मैच टी20 वर्ल्ड कप 2024 को लेकर। जी हां, सभी डिटेल्स रिवील हो चुकी है, 1 जून से 29 जून के बीच यह शानदार टूर्नामेंट
हमें दो कंट्रीज में, जी हाँ, वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिलने वाला है। टूर्नामेंट की सभी तैयारियां फिलहाल हो चुकी है, पूरा शेड्यूल आ चुका है, कार्यक्रम आ चुका है, सभी ग्रुप्स को डिसाइड कर लिया गया है, पूरा टेबल यहाँ पर आउट हो चुका है। और वैसे में यहाँ पर फिलहाल सभी को स्क्वाड अनाउंसमेंट का इंतजार है। आईसीसी ने ऐसी वार्निंग दी है कि भाई पार्टिसिपेट कर रही 20 की 20 टीमों को T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए 1 मई 2024 से पहले अपने फाइनल 15 सदस्यीय टीम की लिस्ट यहाँ पर सौंपनी पड़ेगी, जिसके बाद बीसीसीआई में भी थोड़ी सी गहमी यहाँ पर जरूर हुई थी, क्योंकि भाई अब यहाँ पर विराट कोहली को भी कंसीडर किया जा रहा है, हार्दिक पांड्या को भी कंसीडर किया जा रहा है, ऋषभ पंत को भी कंसीडर किया जा रहा है, ईशान किशन को कंसीडर नहीं किया जा रहा है, और भाई एक दो यंगस्टर्स के ऊपर भी फोकस है, हर्षदीप सिंह के ऊपर फोकस है, उसके अलावा भाई आपके मयंक यादव के ऊपर फोकस है, जिसके चलते सिलेक्शन थोड़ा सा फिलहाल पेचीदा हो चुका है। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा ने कुछ टाइम पहले ऐसा कंफर्म कर दिया था कि 15 में से 10 नाम तो फिलहाल बीसीसीआई ने फाइनलाइज कर रखे हैं, केवल 5 नाम हमें यहां पर ढूंढने, वो 5 नाम हमें आईपीएल से मिलेंगे। अब भाई कौन होंगे वे 5 खिलाड़ी, किस तरह की 15 सदस्यीय टीम यहां पर तैयार होगी, जैसे ही कोई भी अपडेट यहां पर निकल कर आएगा तो अपडेट मैं आपको सबसे पहले यहीं पर प्रोवाइड करने वाला हूं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है आईपीएल 2024 के रिगार्डिंग प्लेऑफ्स की रेस को लेकर, जी हां, क्योंकि भाई काफी सारे सब्सक्राइबर्स यहां पर कमेंट कर रहे थे कि भाई प्लेऑफ्स का क्या सिनेरियो, कौन-कौन क्वालीफाई करेगा, कौन-कौन क्वालीफाई नहीं कर पाएगा। तो भाई मेरी टॉप 4 पर्सनल हिट लिस्ट प्रेडिक्शंस मैं करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स क्वालीफाई करेगी, सेकंड नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स क्वालीफाई करेगी, थर्ड नंबर पर मेरी पर्सनल फेवरेट चेन्नई सुपर किंग्स क्वालीफाई करेगी, और फोर्थ नंबर पर इट माइट बी आपकी यहां पर गुजरात टाइटंस हो सकती है, लखनऊ हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि आरसीबी मुंबई कुछ यहां पर करके दिखाएगी। लेकिन आपके मुताबिक कौन सी 4 टीमें करेंगी प्लेऑफ्स में क्वालीफाई, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर अपनी राय देना। तो दोस्तों आज दिन भर ये है क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, सभी खबरों के ऊपर आपके ओपिनियन सभी कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किसी मुझे इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।